एयरफोर्स से हमको पता नहीं चला। थोड़ा और कुलचा गाइस, अंकल जी ने लिफ्ट दे दी है, बस मुश्किल से 2 मिनट खड़े होना पड़ा। मेरे लिए जूस लेके आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जयपुर से फाइनली निकल लिए हैं, अब चलते हैं अजमेर की ओर। किशनगढ़ से फाइनल मेरी डेस्टिनेशन है, लेकिन किशनगढ़ से अजमेर तक पहुंच गए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। भाई, आधा किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हमारे पीछे ये रहा अजमेर रोड, और इसी के ऊपर चल के फिर मांगते हैं लिफ्ट। तो गाइस, अंकल जी हमको मिल चुका है, जो अपनी तरफ से खुद हमको लिफ्ट को ऑफर किया। अंकल जी ने हमको 10 किलोमीटर तक का लिफ्ट दिया था। गाइस, फाइनली सर ने हमको लिफ्ट दे दी, बड़ी मुश्किल से ये लिफ्ट मिली है, क्योंकि सर खड़े थे, बंदा कोई रोक ही नहीं रहा था वहाँ पे। फाइनली सर ने हमको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, और सर फाइनली एयरफोर्स से हमको पता नहीं चला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर जी थे बड़े मस्त आदमी थे, इन्होंने मेरा नंबर लिया, मैंने अपना भी नंबर उनको दे दिया, क्योंकि सर ट्रैवलिंग के बारे में भी शौकीन बहुत हैं, तो हमसे कंसल्ट करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच सर आपको, अगर वीडियो आप देख रहे हैं। वैसे कुछ खाया नहीं था, मैंने सोचा कुछ नाश्ता कर लिया, जैसे छोला और कुलचा खाने जा रहा हूँ। हमारे कुलचे तैयार हो रहे हैं पीछे। सो भाई, हमारा ये दोनों रहे तैयार, मतलब छोला और कुलचा। छोटी छोटी लिफ्टें लेते हुए लगभग 10 या 12 बदली, और आ गया यहाँ पे बाईपास पे। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पीछे जो रोड गया है आगरा गया है, पर हमको नीचे वाले रास्ते से जाना है। भाई, अंकल जी ने लिफ्ट दे दी है, बस मुश्किल से 2 मिनट खड़े होना पड़ा, उसके बाद नहीं खड़े होना पड़ा। थैंक यू सो मच अंकल जी का। पिकअप वाले अंकल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने बोला भारत यात्रा कर रहे हैं, तो गाड़ी रोक के मेरे लिए जूस लेने गए उस तरफ। इस अंकल मेरे लिए जूस लेके आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो बस एक जाम अंकल जी के नाम, थैंक यू सो मच अंकल जी, टेस्टी है। तो जा रहे सामने अंकल, जिन्होंने हमको लिफ्ट दी थी, और अंकल हमको 5 किलोमीटर आगे तक छोड़ गए। मैं पहुंचते पहुंचते पहुंच चुका हूँ नसनोंदा। इस जगह पे लिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं 45 से 1 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े खड़े, पर लिफ्ट नहीं मिली। तो आप पैदल चल दिया हूँ आगे को, थोड़ी दूर चलने के बाद फिर ट्राई करता हूँ। भैया ने लिफ्ट दे दी, 1 घंटे में वहाँ पे खड़ा था, कोई गाड़ी नहीं रुकी, भाई ने लिफ्ट दे दी, थैंक यू सो मच भाई को। फाइनली भाई ने हमको 5-6 किलोमीटर ला के छोड़ दिया, भाई का थैंक यू सो मच। भाई, जैसे पीछे वाले भाई साहब ने हमको छोड़ा, उसे 2 मिनट बाद ही ट्रक वाले भैया हमको मिल गए, इन्होंने लिफ्ट दे दी। किशनगढ़, बल्कि हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जब प्लान यहीं तक का था, बट ट्रक वाले जो भैया हैं उनको मिल गए, उन्होंने जाएंगे अजमेर तक, वो तो मैं सीधा अजमेर ही निकल जाता हूँ। हमारी गाड़ी थी जिसमें अभी आए थे हम, भैया ने हमको अजमेर में जोधपुर रोड पे उतार दिया है। अब मैं यहाँ रुकने का प्लान देखता हूँ, क्योंकि अभी टाइम बजा है 2:30 बजा है, तो मेरे पास अभी प्लान है निकलने का। तो अगर हो सका तो मैं जोधपुर के लिए निकल जाऊँगा, ऐसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ। बस भैया हमको मिल चुके हैं ओमनी वाले, जो कि हमको भारत यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दी। तो भैया बोले बैठ जा, जहाँ तक मैं जाऊँगा तेरे को छोड़ दूंगा। तो भाई का थैंक यू सो मच। भाई, यहाँ अजमेर से मतलब 40 से 45 किलोमीटर आगे तक जाएंगे। मैंने सोचा था आज मेरे को नहाना भी है, क्योंकि यार 2 डेज हो चुके, मैंने नहाया नहीं अभी तक, बट मेरे पैर टूटा हुआ हम लोग जानते थे पहले से, तो उसके चक्कर में मैं नहाया नहीं, क्योंकि मेरे को गर्म पानी चाहिए था, वहाँ था नहीं। मेरे को लिफ्ट दी भाई, देख लिया, थैंक यू ब्रो। मेरे पीछे जो ओमनी देख रहे हैं, इस भाई ने मेरे को ड्रॉप कर दिया यहाँ तक, कौन सी जगह है क्या है मेरे को नहीं पता, बट अभी और है लिफ्ट मांगते हैं, चलते हैं जहाँ तक पहुँच सकते हैं पहुँचेंगे। तो हमको एक और लिफ्ट मिल चुकी है, जो कि ये मेरे पीछे ना ट्रक बोल सकते हैं, छोटा सा मिनी ट्रक, बड़ी बड़ा ट्रक तो नहीं है, और ये ब्यावर तक जाएगा। साथ ब्यावर तक मेरा लास्ट डेस्टिनेशन भी है इस टाइम का, ब्यावर में ही मैंने सुना है गुरुद्वारा है, वहाँ रुकते हैं। तो गाइस, यहाँ से चलना है हमको सिडी सलेमा, बोलते हैं उसको सिडी सलेमा, मैंने पूछा सिडी सलेमा क्या, नहीं बोला सिडी सलेमा, कुछ लैंग्वेज में ऐसे बोला जो मेरे को पूरा नहीं समझ में आया, राजस्थानी लैंग्वेज आप लोग जानते हैं, क्योंकि राजस्थान में मैं इस्तेमाल हूँ। तो और मेरे पीछे जो पुल दिख रहा है, आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, वो दिख रहा है, वहाँ से मिलेगा
सिटी सलीमा के लिए, मतलब यार रेलवे स्टेशन बोलने, तो रेलवे स्टेशन मेरे लिए बेटर रहेगा बताना, क्योंकि आज रात में रुकना है तो बेटर तो वही है। बाकी मेरे पीछे पेट्रोल टंकी भी है, मैं यहाँ भी कैंपिंग टेंट लगा सकता हूँ, बट यहाँ खाना खाना पड़ेगा, तो बात वही है। अगर मैं 20 रुपये इधर ख़त्म करूँगा, मतलब रुकने के लिए उधर ख़त्म करूँगा, तो खाना मेरा बच जाएगा। तो भाई ठीक है, चलिए फिर वहीं चलते हैं। बस पुलिया के पास मेरे को भाई ने जो बताया था कि ऑटो मिल जाएगा, बट वहाँ से ऑटो मिल रहे थे बट 150-200-250 रुपये ओनली 4 किलोमीटर के। बट मेरे को एक भाई मिल गया जिससे मैंने लिफ्ट मांग ली, और उस बंदे ने मेरे को छोड़ दिया यहाँ तक आके, क्योंकि फ्री में आके। अब यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर पर रह गया है, तो वहीं चल के सीधा फिर मिलते हैं। पुलिस चौकी के जस्ट बगल में ये रहा सामने गुरुद्वारा। तो गाइस गुरुद्वारे पे हमको मना कर दिया गया, पता नहीं क्या रीज़न था, हमको नहीं पता। बोल रहे थे आज व्यवस्था मेरे पास नहीं है, कोई नहीं, मैं और कहीं रुकने का व्यवस्था करता हूँ। इसमें टेंशन नहीं ले रहा हूँ कि मेरा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। रात को मैंने बताया था मेरा कुछ ना कुछ अरेंज हो गया है, हो जाएगा, तो हो गया है। मेरे पीछे टॉयलेट का दरवाज़ा देख सकते हैं, ये रही टॉयलेट जिस कमरे में मैं रुका था, और ये रहा कुछ भूतिया महल जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसका एक रात का फेयर ओनली 20 रुपीज़ पड़ा है। जगह जगह पर मसाले इसमें थूके पड़े हैं, पर मेरे को रात में रुकना था, वरना मैं टेंट लगा के सो जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया हमने, क्योंकि 20 रुपये की बात थी, कमरा मिल गया, भी अपना रूम दिखाते हैं। ये रहा कुछ हमारे रूम, क्योंकि रात में मैं यहाँ पे लेटा हूँ। हालांकि इसमें पंखा दे दिया था लाइट, तो इससे मेरा काम चलता रहा। यहाँ पर थूकना मना है, देखो कितना थूका पड़ा है।